ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं. 7.1, शो दैट द 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स गिवन है 3.4, -1, -4, -1, 2 और 3, -6 आर कौन साइक्लिक. वो एक ही साइकिल से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि वो एक ही साइकिल पर हैं, यानी कि एक ही सर्किल पर लाए करते हैं. कौन साइक्लिक का मतलब ऑन द सेम साइकिल, या इन डिफरेंट वर्ड्स हम कह सकते हैं ऑन द सेम सर्किल ये लाए करते हैं, और हमें उस सर्किल की इक्वेशन को फाइंड भी करना है जिस पर ये चारों के चारों लाए करते हैं. ठीक है ना, तो हमें जो है वो यहाँ पर 4 पॉइंट्स गिवन है. द 4 पॉइंट्स आर, जो चारों पॉइंट्स हैं थ्री कॉमा फोर, -1, -4. ठीक है, 3, 4, -1, -4. और कौन से पॉइंट हैं, -1, 2, -1, 2 और 3, -6. 3, -6, ये 4 पॉइंट्स हैं, ये गिवन है. एंड वी हैव टू प्रूव दैट. और हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट These points are concyclic, यानी कि एक ही सर्किल पे लाए करते हैं. तो एक बात मैं आपको बताऊं, जो तरीकेकार हम लोग अपनाने वाले हैं, हमें पता है कि 3 पॉइंट जरूरी हैं सर्किल की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए. तो हम पहले उस सर्किल की इक्वेशन को फाइंड करेंगे जिस पे चारों लाए कर रहे हैं, और एक इक्वेशन ऑफ सर्किल आ जाएगी ऑब्वियसली 3 पॉइंट्स को सॉल्व करके. और अगर मैं चौथा पॉइंट पुट करूं और वो सेटिस्फाई कर दे, तो इसका मतलब ये चारों के चारों पॉइंट्स सेम साइकिल पर, यानी कि सेम सर्किल पे लाए करते हैं. ठीक है ना, हम क्या करेंगे, हम इन 3 पॉइंट्स को यूज़ करते हुए एक सर्किल फाइंड करेंगे, और फिर वो जो सर्किल की इक्वेशन आएगी उसमें ये वाला पॉइंट पुट करेंगे 3, -6, और यकीन वो सेटिस्फाई करेगी. सेटिस्फाई करने का मतलब आंसर जो है वो 0 आएगा, 0 = 0, तो साबित हो जाएगा कि पॉइंट जो है वो कॉन्साइक्लिक हैं. तो लेट जो हमें सपोज करना है द इक्वेशन ऑफ सर्किल, जनरल इक्वेशन से सॉल्व करते हैं. इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल है जनरल इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0. मेन यही इक्वेशन है, इसी का यूज़ करना है. अब क्या करेंगे, वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे. जैसे मिसाल के तौर पे पहले कौन सा पॉइंट पुट करना है, पहले पॉइंट पुट करना है 3, 4. 3, 4 पुट करेंगे इसी इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हो जाएगा 3² + y का मतलब हो गया 4² + 2gx + 2fy. अच्छा, तो ये जो 2gx है और fy है, इनकी जगह ही पुट कर देते हैं. ठीक है ना, g और x की जगह पे क्या आ जाएगा, x की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 3, और y की जगह पे क्या आएगा, y की जगह पे आएगा 4, और +c = 0. तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3² 9, 4² 16, और 16 + 9 हो जाएगा 25. ठीक है ना, 16 + 9 = 25, +6g और +8f + c = 0. ये एक इक्वेशन आ गई है, तो इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, नाम देंगे इसको इक्वेशन नंबर 2 का. अब इसी तरीके से अगला पॉइंट पुट करना है. अगला पॉइंट कौन सा है, एट -1, -4. -1, -4 की अगर बात करें तो अब आ जाएगा हमारे पास -1² + -4² फिर है +2g - 1 + 2f - 4 और +c = 0. ठीक है ना, तो 1² यहाँ पे कर लेते हैं सिंप्लीफाई, 1² 1, 4² 16, 16 + 1 ये आ जाएगा 17, और ये आ जाएगा -2g और f आ जाएगा 2 4 8, -8f और +c = 0. ये आ गई हमारे पास एक और इक्वेशन, लेट्स से इक्वेशन नंबर 3. और आखिरी 3 पॉइंट्स पुट करने हैं, तो कोई सा भी एक पॉइंट, तो मैंने सोचा चलो लाइन वाइज ही पुट करते हैं. अब क्या पुट करेंगे, अब पुट करेंगे हम लोग -1, 2. -1, पुट करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा -1² + 2² + 2gx + 2fy और +c = 0. 1² 1 और 2² 4, ये हो जाएगा 5, और -2g + 4f + c = 0. ठीक है ना, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 4. अब देखो हमारे पास ये 3 इक्वेशन आ गई हैं, हमें सिंप्लीफाई करके फाइंड करना है एक इक्वेशन ऑफ सर्किल. तो एक बात है, अगर आप इन इक्वेशन को कंपेयर करो तो
पहले हम सी को कैंसिल करा सकते हैं या पहले हम जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है माइनस का 2g, यहाँ पे नज़र आ रहा है माइनस का 2g, अगर सब्ट्रैक्ट कराएं तो सी भी कैंसिल हो जाएगा, जी भी कैंसिल हो जाएगा। तो पहले सॉल्व करते हैं इक्वेशन 3 और 4 को, इक्वेशन नंबर 3 में से माइनस कराते हैं इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 क्या है इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 है 17 माइनस 2g, 17 माइनस 2g, और देख लेते हैं क्या इक्वेशन थी, 17 माइनस 2g माइनस 8f प्लस का c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 4 ये लिखी हुई है, 5 है माइनस का 2g है प्लस का 4f है प्लस का c है इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्ट कराना है, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, सी से सी कैंसिल और जी से जी कैंसिल, 17 माइनस 5 ये हो गया 12 और ये कितना हो गया माइनस 12f इज इक्वल टू 0, सो f की वैल्यू चाहिए तो ये आ जाएगा कितना 12/12, माइनस कैंसिल, 12/12 बराबर आ जाएगा 1 के। इसका मतलब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 मतलब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करके f की वैल्यू मालूम कर ली। अब इस f की मदद से g और c की वैल्यू मालूम करनी है, तो एक काम करते हैं दो और इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, अभी हमने सॉल्व किया था 3 और 4 को, अब एक काम करते हैं सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट करा देंगे, अगर इस इक्वेशन को 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करा दो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 4 ऐसे करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 4, इससे फिर सी कैंसिल हो जाएगा और जी और एफ बच जाएंगे, जी की वैल्यू पुट करके एफ आ जाएगा इजीली। इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि 2 और कौन सी इक्वेशन 4 को सॉल्व कर लो। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है 25 प्लस 6g, 25 प्लस 6g और क्या है प्लस का 8f प्लस का c इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन नंबर 4 आपको पता है इक्वेशन नंबर 4 ये वाली थी 5 वाली, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2g प्लस का 4f प्लस का c इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कराएंगे, साइन चेंज होगा, c से c कैंसिल, 25 माइनस 5 कितना हो गया, 25 माइनस 5 हो गया 20 और 6 प्लस 2 ये हो जाएगा 8g और 8 माइनस 4 ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 4f इज इक्वल टू 0। f की जगह पे f की वैल्यू अगर पुट करूँ तो क्या बनेगा, f की जगह पे f की वैल्यू पुट करूँ तो पुटिंग f इज इक्वल टू 1, पुटिंग f इज इक्वल टू 1 तो ये बनेगा 20 प्लस 8g प्लस 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 4 होता है, और 20 प्लस 4 ये हो जाएगा 24 प्लस का 8g इज इक्वल टू 0। तो g की वैल्यू मालूम करनी है माइनस का 24/8, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया 8 1 8, 8 2 16 और 8 3 24, तो ये आंसर आ जाएगा 3। तो g का आंसर हमारे पास कितना आ गया, g का आंसर आ गया हमारे पास माइनस का 3, f आ गया 1, g आ गया माइनस 3। नाउ फाइंड कर लेते हैं वैल्यू ऑफ सी। तो सी के लिए क्या करें, देखो सी के लिए कोई ऐसी इक्वेशन चाहिए जो कि आसान सी हो, वैल्यू पुट करें और हमारे पास आंसर आ जाए, तो कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, जी और एफ दोनों पता है। तो अभी तक हम लोगों ने इक्वेशन 3 को यूज़ नहीं किया ना, इक्वेशन 3 यूज़ करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 17 माइनस 2g, इक्वेशन नंबर 3 इम्प्लाइज दैट 17 माइनस का 2g और है माइनस का 8f प्लस सी, माइनस का 8f और प्लस का सी इज इक्वल टू 0। तो g की जगह पे g की वैल्यू, g कितना आया, g यही था माइनस थ्री और वन पुट करना है, तो ये हो जाएगा -2 -3 और f की जगह पर आएगा 1 प्लस का c इज इक्वल टू 0, सो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 17 प्लस 6 -8 प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये कितना हो गया, ये हो गया 17 -2 यानी कि 15 और ये हो जाएगा इस तरफ जाके माइनस का 15। तो हमारे पास तीनों वेरिएबल्स आ गए हैं जो कि हमें इक्वेशन नंबर सर्कल की इक्वेशन के लिए चाहिए होते हैं, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 के लिए चाहिए होते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का 2g, जी की क्या वैल्यू आई थी, जी की वैल्यू आई है हमारे पास -3, 2gx प्लस का 2f, f आया था 1y और फिर माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। तो मोस्ट सिंप्लीफाइड इक्वेशन एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2y माइनस का 15 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना भाई। यह हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब मैंने आपको क्या कहा था, अगर तो वो चौथा वाला पॉइंट हम इसमें पुट करें और वो सेटिस्फाई कर दे, इट मीन्स चारों पॉइंट्स क्या हैं, कौन साइक्लिक हैं। नाउ पुटिंग कौन सा था वाला पॉइंट, थ्री कॉमा माइनस सिक्स, थ्री कॉमा माइनस सिक्स इसमें पुट करना है इस इक्वेशन के अंदर, सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। तो ये हो जाएगा थ्री का स्क्वायर प्लस वाई का, वाई की जगह पे वाई की वैल्यू, वाई की जगह पे कितना आ जाएगा, वाई की जगह पे आ जाएगा माइनस का सिक्स का स्क्वायर, और माइनस का सिक्स और प्लस का थ्री प्लस का टू, वाई की जगह माइनस सिक्स माइनस का फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो। अगर ये इक्वल टू जीरो आ गया इट मीन्स के ये पॉइंट कौन साइक्लिक हैं। तो थ्री का स्क्वायर हो गया नाइन, सिक्स सिक्स आर थर्टी सिक्स, सिक्स थ्री आर माइनस का एटीन, टू सिक्स आर माइनस का ट्वेल्व, माइनस का फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो। तो ये कितना हो गया, थर्टी सिक्स प्लस नाइन, थर्टी सिक्स प्लस नाइन हो गया फोर्टी फाइव, फोर्टी फाइव माइनस फिफ्टीन थर्टी, और थर्टी ये हो गया ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब देयर फोर दीज फोर पॉइंट्स आर कॉनसाइक्लिक, जो हमें प्रूफ करना था, ठीक है भाई। तो यही था हमारे पास क्वेश्चन नंबर एट में प्रूफ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन 7.1 में प्रूफ दैट द पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं 5, -7.5 लाइज आउट द आउटसाइड द सर्किल हुज इक्वेशन इज दिस। तो याद रखो क्वेश्चन नंबर नाइन में ये बात आपको समझानी है, इधर समझा देता हूँ। रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट कहाँ है विद रिस्पेक्ट टू सर्किल, सर्किल के लिहाज से वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है। याद रखो अगर तो एक कंडीशन ये हो सकती है कुछ इस किस्म की कि वो जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है इधर कहीं पर, जो पॉइंट पी है वो इधर लाई कर रहा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन कॉमा वाई वन, ठीक है ना, एक्स वन कॉमा वाई वन इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अगर तो मैं एक्स और वाई यानी कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल के अंदर पुट करता हूँ तो आएगा एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर प्लस का टू जी एक्स वन, यानी कि ये वाले पॉइंट पुट करूँ अगर स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल में तो टू एफ वाई वन प्लस का सी। याद रखो ये किसके बराबर आना चाहिए, जीरो के। ये कंडीशन कब की है, ये कंडीशन है नंबर वन जब पॉइंट लाई करता है ऑन द सर्किल। अगर सर्किल पर लाई कर रहा है कोई पॉइंट तो याद रखो कंडीशन ये होती है कि हम उसे पुट करते हैं और आंसर आता है जीरो के, जैसे कि क्वेश्चन नंबर एट में हमने किया, ठीक है ना। लेकिन अगर यही आंसर पुट करने पर, कंडीशन डिफरेंट हो सकती है ना, तीन कंडीशन हो सकती हैं, और यही वाला जो पॉइंट है ये लाई कर सकता है आउटसाइड द सर्किल। अगर वो पॉइंट यहाँ कहीं पर है, लेट से एक्स वन, एक्स वन कॉमा वाई वन इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब अगर मैं पुट करूँगा ना, ये कौन सी वाली कंडीशन है, दूसरी वाली कंडीशन है, इसमें क्या कह रहा हूँ, आउटसाइड द सर्किल। अगर कोई पॉइंट आउटसाइड द सर्किल लाई कर रहा है और मैं पॉइंट पुट करूँगा तो एक्स वन का स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस का 2g x1 प्लस का 2f y1 प्लस का c इज इक्वल टू जीरो, जो कि इक्वेशन होती है। बट अब अगर इन पॉइंट्स को पुट करूंगा तो याद रखो आंसर हमेशा हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा। अगर पॉइंट्स पुट करने पर आंसर ग्रेटर देन जीरो आ गया यानी कि पॉजिटिव आंसर आ गया तो समझ जाइए कि वो जो पॉइंट है वो सर्किल से कहाँ लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है आउटसाइड द सर्किल। और इसी तरीके से आखिरी मिसाल क्या होगी, आखिरी मिसाल ये हो सकती है कि वो जो पॉइंट है पॉइंट पी वो कहाँ लाए करे, वो पॉइंट पी यहाँ कहीं पर लाए कर रहा है तो कोऑर्डिनेट तो वही ना उसके एक्स वन कॉमा वाई वन। अब अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा ना हमारी तीसरी कंडीशन में, तीसरी कंडीशन ये है कि वो पॉइंट कहाँ लाए करेगा, वो पॉइंट लाए करेगा इनसाइड द सर्किल। और अगर मैं उस पॉइंट की वैल्यू जनरल इक्वेशन में पुट करता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन और प्लस का टू एफ वाई वन तो और प्लस सी, तो वो आंसर हमेशा हमेशा नेगेटिव आएगा। यानी कि आप फौरन के फौरन देख के पहचान जाओगे कि जब भी हम उन पॉइंट्स को पुट करेंगे तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। नेगेटिव में आएगा तो इसका मतलब ये है कि वो जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है इनसाइड द सर्किल, ठीक है ना। तो अब मैं आपको समराइज करूँ
आपको कोई पॉइंट दिया जाए, बोला जाए, मालूम करो कि ये ऑन द सर्किल है, आउटसाइड द सर्किल है कि इनसाइड द सर्किल है, तो आपने सिर्फ क्या करना है, जनरल इक्वेशन में उसकी वैल्यू को पुट करना है। आंसर जीरो आया तो समझ जाओ ऑन द सर्किल है, आंसर पॉजिटिव आया तो इट मीन्स आउटसाइड है, आंसर नेगेटिव आया तो इट मीन्स इनसाइड है। ओके तो हमें जो पॉइंट गिवन है वो है 5.7.5। द गिवन पॉइंट इज 5, -7.5। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल इज, जिसको हम वेरीफाई करना चाह रहे हैं, इक्वेशन ऑफ सर्किल इज क्या है, इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो अब ये पॉइंट्स पुट करने हैं ना, पुटिंग क्या पॉइंट है, देखते हैं आंसर पॉजिटिव आ रहा है, जीरो आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। पुटिंग 5, -7.5 माइनस का, ठीक है ना, इसको पुट करना है। तो क्वेश्चन के अंदर ये है आउटसाइड द सर्किल लाई कर रहा है, ये बात हमें साबित करनी है, यानी आंसर ग्रेटर देन वन आना चाहिए, ठीक है ना। तो इक्वेशन वैसे तो ये होती है जनरल इक्वेशन, और गिवन क्या है, पुटिंग दिस पॉइंट इन, इक्वेशन क्या है पूरी बता देते हैं, इक्वेशन है x² + y² माइनस का 4x + 2y और इज इक्वल टू 44। इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 44। अब हमें पुट करनी है वैल्यू ना, अगर इन पॉइंट्स को हम पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x² यानी के 5 का स्क्वायर, y² यानी के माइनस के 7.5 का स्क्वायर, माइनस का 4x, x यानी के 5, प्लस का 2y -7.5 और माइनस का 44, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, और 25 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 56.25, माइनस का 20, माइनस का 15, माइनस का 44, ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आंसर बन रहा है, ये हो जाएगा हमारे पास 25 + 56.25 और माइनस का 20, माइनस का 15, माइनस का 44, आंसर आएगा हमारे पास 2.25। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो आंसर है 2.25 इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, देयरफोर ये जो पॉइंट है ये कहाँ लाई कर रहा है, लाइज आउटसाइड द सर्किल, सर्किल से बाहर लाई कर रहा है। जैसे कि हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया था कि जो पॉइंट है वो सर्किल से बाहर लाई कर रहा है, तो मेन बात ये है कि आप ये जो कंडीशन है ना इनको याद कर लें, इनको समझ जाएँ कि कब क्या वैल्यू पुट करने पर आंसर क्या आना चाहिए, इनसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए और ऑन द सर्किल के लिए।